अब देखो एक और महाराज जी आपको दिखाते हैं, देखियो श्री हंस जी महाराज, अमृत के कलश ये एक पुस्तक का नाम है, श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन, ये है श्री हंस जी महाराज अमृत के कलश, संपादक है चमन लाल टंडन MA MA MED दिल्ली विश्वविद्यालय। ये कहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित है, प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति, प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। कहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित है, मुद्रक व फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली। ये यहाँ से प्रकाशित है। अब देखो, अब स्वामी जी ने, स्वामी ये हंस जी महाराज, यहाँ देखिएगा 50 पे, प्रश्न नंबर 50 पे, इनका जन्म ग्राम गाड़ की सेड़िया पट्टी तलाई पौड़ी गढ़वाल में 8 नवंबर सन 1900 को सूर्यवंशी परिवार में हुआ। इनका जन्म का नाम हंसराम सिंह था। इनके पिता का नाम श्री रणजीत सिंह रावत था MM, दादा का नाम श्री हेमंत सिंह रावत था, जो देशवाल रावत के वंश के साधक साधारण कृषक थे। श्री महाराज जी बताया करते थे कि उनकी माँ उनको भी अपने साथ मंदिर ले जाती थी और वहाँ मैं माँ देव और पार्वती के साक्षात खड़े देखता था। इस प्रकार बचपन से ही उनके अंदर भगवत दर्शन की तीव्र लगन पैदा थी। बाल्यकाल से ही वह एक विलक्षण बालक थे। हंसी की छटा इनके मुख मंडल पर सदैव गुलाब के फूल की तरह खिली रहती थी, इसलिए लोग उनसे प्यार से उनको हंसा हंसा कहते थे, हंसा हंसा। महात्मा सत्यानंद जी जो श्री महाराज जी के निकटतम सेवक रहते थे, बताते थे कि एक बार हरिद्वार में उनकी बैंड श्री हंस जी महाराज के बचपन के एक साथी से हो गई। प्रसंगवश जब संत महात्माओं की बात चली तो उस व्यक्ति ने जो उन्हें जो कि उमेद सिंह गढ़वाल वाले के यहाँ ठहरे हुए थे, महात्मा और सिद्ध पुरुषों को तो मैंने भी एक से एक देखे हैं, परंतु जो चमत्कार बचपन में दिखाकर किसी सिद्धि महात्मा ने नहीं देखा। उन्होंने बताया कि जब मैं लगभग 8 वर्ष का था तो बच्चों के साथ खेलता था, तब मेरी उम्र एक बालक हम उम्र का एक बालक मेरी ही उम्र का एक बालक हमारे साथ खेलता था, उसका नाम हंसराम सिंह था, हम उसे हंसा हंसा कहते थे, हंसा हंसा। उसने एक हमें बड़े बड़े चमत्कार दिखाए थे। अब कहने का तात्पर्य है दास का कि यू न्यू कह है हंसराम जी के बचपन से ही इनके पूर्व जन्म की कमाई से शिवजी पार्वती के दर्शन भी होते थे और छोटी उम्र में ही ये चमत्कार दिखाया करता था, यानी पूर्व जन्म का यो भक्ति युक्त प्राणी था। पिछली बैटरी चार्ज थी और आगे चार्जर ठीक लगा नहीं, आगे नाम ठीक मिला नहीं, संत पूरा मिला नहीं, बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसकी के दुर्गति हुई। अब संक्षिप्त में बताना चाहेगा ये दास, इन्होंने नाम लिया, ये देखो 61 पृष्ठ पे, सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ और 1926 में गुरु महाराज जी ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। 1926 में 1923 से इसको नाम मिल गया था, भक्ति करने लग गया ये अपनी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी ने गुरु महाराज जी की शरण में रहकर उनकी आज्ञा अनुसार साधना प्रचार में अपने जीवन को लगा दिया। उपदेश के पश्चात श्री महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। ये कठोर तप लेकर डूब रहा सब ने। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस समर्ति में वहाँ एक
स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। अच्छा, 1923 में नाम लिया और फिर 1966 में इनमें भूत बढ़ गए। अब यहाँ पहुँचेंगे हम, थोड़ा सा झलक दिखाएंगे आपको 383 पृष्ठ पे, ये देखिएगा। 40 वर्ष की साधना के बाद इनकी के दुर्गति हुई। 383 पृष्ठ पे 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी के ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए, नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए। श्री महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे। श्री महाराज जी उन दिनों बंबई में थे। श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े उसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बस यहाँ से आगे देखो, जैसे ही सुबह महाराज जी को भर्ती करा दिया गया और शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था, जैसे ही महाराज जी लेटे अस्पताल में, मास्टर रामानंद जी भी साथ ही कमरे में नीचे लेट गए। एक दो घंटे के पश्चात महाराज रामानंद जी सो रहे थे, उन्होंने हाय हाय की आवाज सुनी, वे उठे। महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी? महाराज जी की जीभ निकल रही थी, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म मिट्टी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं, ये महात्मा रामानंद जी, महात्मा जी कहते हैं कि मैं घबरा गया और भागा भागा सिस्टर के पास गया, कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान चेक किया, 104 बुखार पाया था। सारी रात बेचैनी में काटी। डॉक्टर ने से कहा कि इनको तो दिल्ली जाना है, इनका तो सम्मन आया हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते, और डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग एक महीने के लिए खराब रही। अब सुनियो, देखियो क्या हाल है इसका। हम सब लोग घबरा गए। कभी 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 बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा कि महाराज जी, आप तो अच्छे भले सो रहे थे, यह एकदम आपको क्या हो गया? इतनी आपकी हालत कैसे खराब हो गई? तो महाराज जी ने कहा, जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी में खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो नहीं हूँ, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे, यह तो झूठ ही होगा। बस जैसे ही यह मन में आया तो मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया और उसी से आज मेरी यह हालत हो गई। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। जय उतरे महाराज जी का। अब यो क्या था, देखियो सारी कहानी पढ़ियो प्रेमियों। तुम बालक नहीं हो, बुद्धिमान समाज है, शिक्षित समाज है, बहन बेटी भाई बुजुर्ग बच्चे। आगे देखो सारी कहानी, फिर बाद में समझ में आओगी कौन था यो महाराज जी। भूत बन रहा था इसका। आगे देखो, गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रख ली और सचमुच मुझे बीमार कर दिया, यानी इसकी किलकी मरवा दी, जीभ काट ली, आँख लाल होगी, मुर्गा रहे। ये गुरु जी से काम करेंगे, ठीक। कुछ प्रेमियों ने कहा कि शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है, महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते, हाय मैं मर गया, बहुत जोर कमज़ोर हो गए। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई जो ऊपरी हवा का इलाज करता था, भूत का डिडियाँ आया। देखियो महाराज जी की अब क्या क्या लीला होती है। तो उसने महाराज जी को देख कर कहा, अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया और ये तभी ठीक होगा जब इनकी नज़र उतारी जाए और चौराहे की पूजा की जाए। जय हो, देखो चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नज़र उतारने का, कि उतारते समय बोला जाएगा।
सारी सामग्री मंगाई गई और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के थे उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहाँ पर थे। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर चौराहे में रखना था। रामानंद जी ने नज़र उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। सभी भयभीत हो रहे थे। अंत में उन्होंने डांट कर कहा कि अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूँ, क्या भूत हमें खा लेगा। अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। दूसरे वो तो डर गए सारे भूतां थे, सारे चेले। घन घोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी उस भूत ने लेकर चले, यानी जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले और रामानंद जी नजर तार के, तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज की और हवा के अंदर जाने से महाराज कौन, यो हंसराज जी जोर से चिल्लाए तो रामानंद जी भी कांप उठे, भयभीत हो उठे और मन में ये ख्याल आया कि फिर वापस कमरे में चले। लेकिन फिर धैर्य बांध कर नाम का सुमरण करते, नाम का सुमरण तरह गुरु जी महाराज में भूत बढ़ गया। नाम का सुमरण करते हुए उस चौराहे की तरफ उस कलश को उठाकर चल रहे थे और दूसरे महात्मा छाता लिए हुए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसे ही पंडित जी ने बताया तो पीछे मुड़ आए। अब आलिया ओडिन का भक्ति का, अब सन 1923 में नाम लिया, 1963 में इस स्वयं साधक में भूतान लाए गए गुरु जी में। अब इनका गुरु जी भी भूत बन रहा था। जो ही इसने याद किया, हे महाराज मेरी लज्जा रखो, भूत इसमें आ बढ़िया, इसकी एक विनदे ही तोड़ी। और फिर वह एक बाई नाग इसकी चेली ने भूत कड़ो बताया, ब्राह्मण लियाई बुला के उन्हें नजर तारी। जब यू महाराज जी का यो सांग ठीक